नमस्कार, नेशनल खबर 9 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेन मौर्य। आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश के इस खास खबर पर एक नजर। खबर गाजीपुर जखनिया से, जहां अवैध भूमि का खनन इस समय जोरों पर चल रहा है। आपको बता दें, जखनिया तहसील से सटे मुड़ियारी ग्राम सभा में भी अवैध भूमि का खनन जोरों पर चल रहा है। मुड़ियारी और सोफीपुर दोनों ग्राम सभाओं के बीच हजारों ट्रैक्टर ट्राली द्वारा भूमि का खनन हो चुका है। रविवार सुबह तड़के एक जेसीबी द्वारा कई ट्रैक्टरों के साथ मिट्टी के खनन कार्य शुरू कर दिया। तब तक दूसरे जेसीबी वाले ने आकर इसे रोकने लगा। मामला इतना आगे बढ़ा कि दूसरा पक्ष, जहां मिट्टी की खुदाई हो गई थी, उसे सटे तालाब का पानी जेसीबी से खोल दिया और पानी का बहाव इतना तीव्र था कि खुदाई कर रहे जेसीबी और ट्रैक्टर ट्राली सहित पानी में डूब गए। वहीं दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया। मामला पुलिस प्रशासन तक पहुंच गया। मौके पर भुड़कुड़ा कोतवाल में पुलिस फोर्स कई गाड़ियों के साथ पहुंच गए। पुलिस प्रशासन ने मौके पर उपस्थित सभी ट्रैक्टर और जेसीबी को अपने कब्जे में लेकर थाने भेज दिया। भुड़कुड़ा कोतवाल शिव प्रताप वर्मा ने बताया कि अवैध खनन में 10 ट्रैक्टर, 2 जेसीबी पर चालान सीज और निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। गलती यार, तो माटी का मन भरी तो और आराम हो।